दिए थे आपको, वो कर लिए क्या सभी को? 5.2 के कपल ऑफ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे होमवर्क के लिए। ये रेडमी नाम से कौन ऐड हुआ है अभी? अरे नाम नाम से ज्वाइन हो, तो करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन मैंने आपको 8 तक करने को कहा था, मैंने कहा था मैं 10th क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, पहले ये बताइए आवाज सभी को आ रही है साफ? जैन कपिल, ओके द वॉइस क्लियर है सभी को। तो क्वेश्चन में नंबर 9 में कहा कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन एज एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो क्वेश्चन नंबर है 9। मैं कहा कि एक फंक्शन है एफ एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस, ये बताइए ये एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूअस नहीं है, ये बताना है, सॉरी डिफरेंशियबल नहीं, मोड को डिफाइन करना हो जानते हैं कैसे करेंगे, माइनस का एक्स माइनस का, ये कब? अगर मोड के अंदर वाला नंबर से लेस प्लस का एक्स माइनस का, अगर मोड के अंदर वाला नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये तो मैंने आपको सिखाया हो। तो वन माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन एक्स माइनस वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब आते हैं, अब x इक्वल टू वन पे डिफेंसिबिलिटी चेक करते हैं। डिफेंसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफेंसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव निकालने पड़े। मैंने निकाल रहा हूं मैं एल एच डी, एल एच डी मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बताया था? लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, फिर माइनस में एफ ए अपॉन में माइनस, ये बताया था। लेकिन ये तो किस पे था? एक्स इक्वल टू ए पे। अब किस पे चेक कर रहे हैं? वन पे। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, यहाँ पे वन माइनस है, यहाँ पे एफ, वहां पर एट एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पर चेक कर रहे हैं सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। नहीं, अब देखिए आगे लिखा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में वन से लेस रखेंगे। वन से लेस में कौन सी डेफिनेशन यूज होगी? देखो दो ही डेफिनेशन है, एक तो ये है और एक ये है, कौन सी डेफिनेशन यूज होगी? ऊपर वाले या नीचे वाले? वन माइनस एक्स होगी या एक्स माइनस वन होगी? सोचिए, वन माइनस एच में, वन माइनस एच का मतलब वन से थोड़ा सा लेस, वन से थोड़ा सा लेस कैसे आ सकता है? जरा सोचो, अपर वाली डेफिनेशन देखा ना, एक्स लेस देन वन, जब एक्स वन से छोटा होगा तो ये डेफिनेशन वन माइनस। तो देखो ये एफ एक्स था, ये कौन था? एफ एक्स।
यानी जो एक्स यहां पर है वही एक्स यहां पर, ठीक है। तो मैंने इस एक्स की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे वन माइनस एच लिखा है, तो इस एक्स की जगह पर भी क्या आ जाएगा, वन माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा वन माइनस में वन माइनस, ठीक है, ये वैल्यू तो किसकी, एफ वन माइनस। अब एफ वन की वैल्यू किससे मिलेगी, इससे मिलेगी एक्स इक्वल टू वन, इसमें यहाँ पे वन रखेंगे एक्स की जगह, वन माइनस वन, ठीक है, नीचे माइनस है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन फिर माइनस वन फिर प्लस में वाइड में माइनस, ये कैंसिल, एच अपॉन माइनस एच बना, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का वन, एच है ही नहीं, एच होता तो उसकी जगह जीरो रखते, जब एच नहीं है तो फिर क्या माइनस वन याद कराओ। ये तो हुआ हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव। अब आते हैं सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला आपको बताया था कल, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए, ए की जगह वन, वन प्लस एच माइनस एफ वन और डिवाइड में एच, ये था। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन प्लस एच यानी वन से ज्यादा, वन से ज्यादा में कौन आएगा, दो डेफिनेशन है देखो, ये भी एक तो ये डेफिनेशन, वन से ज्यादा में तो नीचे वाली डेफिनेशन है इसका यूज होगा, यानी वन माइनस एच फिर माइनस एफ वन कितना है जीरो डिवाइड में, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच माइनस वन डिवाइड में, सिंप्लीफाई करें और लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन से तो वन कैंसिल, माइनस एच अपॉन एच माइनस वन, सॉरी वन प्लस एच आए, प्लस का एच आएगा, प्लस का एच आएगा तो ये प्लस का वन बनेगा माइनस का वन, तो वन आ जाए। देखो एट एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल, डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू, यानी फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू वन पर नॉन डिफरेंशियबल। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट एनी डाउट, किसी को कोई भी दिक्कत हो, क्या बात है रे, हवा मैसेज नहीं आ रहे आपके, अब बताओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखो जरा, उस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें कहा कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स,
एक्स है जीरो से थ्री इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू, यानी फंक्शन तो है इस बार एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, और हमें चेक कहां करना है, एक्स इक्वल टू वन और टू पे करना है। देखो सॉल्यूशन, पहले मैंने लिखा एट एक्स इक्वल टू वन, कौन क्या क्या निकालना है, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालना, जब भी कहेंगे ना कि ये यहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं, ये दिमाग में बिठा लो, जब कभी भी ऐसा कहा जाएगा कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है तो इट मीन्स उस पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों क्या है, डिफरेंट, अलग अलग, तभी वो नॉन डिफरेंशियबल। अब देखिए सबसे पहले x इक्वल टू वन पे चेक करना है, तो पहले मैंने लिखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f वन पे चेक करना है इसलिए वन माइनस h, फिर माइनस में f वन और डिवाइड में माइनस करें, हाँ 5.2 है बेटा ये, हाँ 5.2 है चल रही है, फिर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लास्ट क्वेश्चन है 5.2, एफ वन माइनस एच, देखो एफ एक्स तो ये एफ एक्स, जब यहां पर x है तो उस x का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, जैसे मैं x की जगह अगर रखूं 2 तो फिर वो क्या हो गया 2 का ग्रेटेस्ट, अगर मैं x की जगह रखूं 100 तो आंसर 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस टाइप, ठीक है। तो अब यहां पर देखो f के अंदर क्या रखा है हमने, 1 माइनस h रखा है, ये लिखा ना 1 माइनस h, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, f1 का मतलब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और डिवाइड में माइनस। अब आते हैं आगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो देखिए 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट, 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस h का मतलब हुआ 1 से थोड़ा सा लेस, यही होगा ना, 1 माइनस h का जो मीनिंग है वो है कि 1 से थोड़ा सा लेस, अब 1 से थोड़ा सा लेस अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट बताओ जरा कितना आएगा, 1 से थोड़ा सा लेस यानी 0.99, तो उसका ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा, जीरो, यानी इसने तो आंसर दिया जीरो, फिर इसने वन का ग्रेटेस्ट कितना होता है, वन ही होता है, डिवाइड में माइनस एच, ठीक है। अब माइनस वन अपॉन एच, तो ऐसे बन गए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस वन अपॉन में माइनस एच, तो वन अपॉन में अब एच की जगह जीरो रखेंगे तो ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, यहीं से पता लग गया, वैसे तो राइट डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं, चलो वैसे निकालने की जरूरत नहीं, यहीं पता लग गया, जो चीज खुद ही नॉट डिफाइंड है वो किसी और के इक्वल भला कैसे हो सकता, ऊपर तो वन है नीचे एच है, इन्फिनेटिव नहीं लिखना बेटा, नॉट डिफाइंड लिखना है, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर इन्फिनिटिव लिख दोगे तो भी इन्फिनिटिव भी तो किसी के इक्वल नहीं होता, तो ये कह रहे हैं कि इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव भी किसी के इक्वल तो होगा ही नहीं, चलो अब राइट डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच, फिर माइनस में एफ वन डिवाइड में, देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फिर f1 प्लस एच, यानी 1 में थोड़ा सा ऐड किया मैंने, 1 में थोड़ा सा ऐड किया तो वो तो बन गया 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट, यहाँ पे 1 का ग्रेटेस्ट डिवाइड में एच, फिर देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट का मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.1 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 1 आएगा, 1.23 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, वो भी 1 आएगा,
आएगा ना, इसलिए यहाँ पर कितना लिखना चाहिए मेरे को, वन लिख, सेम वन का ग्रेटेस्ट वो भी वन, ये तो बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो बाय एच, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, छोटा सा नंबर है तो वो आंसर क्या होगा, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो आया, तो मैंने यहाँ लिखा एट एक्स इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल, तो ये तो हुआ एक्स इक्वल टू वन पे, अब सेम एक्स इक्वल टू टू पे भी निकालना है तो वो आप खुद करोगे, सेम टू सेम यही होगा बस, आंसर भी यही आएंगे, लेफ्ट आएगा यही नॉट डिफाइंड, राइट आएगा जीरो, सेम टू सेम यही होगा, ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू टू सेम इसी टाइप से टू जोर से स्वयं कीजिए, किसी कोई डाउट इसमें बोलो, ओके अगर सभी के समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और x इक्वल टू टू पे खुद ट्राई करना, अब चलते हैं हम 5 पॉइंट नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी, 2 सेकंड बाद इसको स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, तो आपके पास 2 सेकंड है स्क्रीन शॉट, हाँ 11th में मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने जब तुम्हें लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ाया था तो मैंने उसमें तुम्हें ये सब चीजें पहले ही करा दी थी ताकि तुम्हें 12th में दिक्कत ना आए, अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3 वो भी तुम्हें मैं 11th में करा चुका हूँ, 5.3 अगर 11th में ढंग से पढ़ाया आपने तो देख लो, एनडीए में नहीं बेटा, एनडीए में तो मौका ही नहीं मिला, सिलेबस इतना ज्यादा बाकी था, NC1 में करा दिया था, एक्चुअल में 5वां चैप्टर 5.1 को छोड़ के पूरा का पूरा 5वां चैप्टर करा चुका हूँ NC1 के अंदर, पूरा 5वां चैप्टर, यानी 5.2 5.3 5.4 सब करा दी थी, बस एक आगे एक एक्सरसाइज हो रहा है कि उसको छोड़ दो, थ्योरम वाली एक्सरसाइज, अब देखो जरा 5.3 में चले, अब 5.3 में भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, 5.3 में चलने से पहले आपको थोड़ा सा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में बताना था, ये पहले भी बताया हुआ है मैंने, देखो अब इसमें 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो ऐसे फंक्शन जो y इक्वल टू एफ एक्स ऐसे लिखे हो, ठीक है, और एक ऐसे जो डायरेक्ट ऐसे ना लिखा हो y इक्वल टू एफ, यानी एक ऐसे फंक्शन जिसमें एक तरफ y और एक तरफ x हो सारा का सारा, या अगर नहीं भी हो तो उसको ऐसे कन्वर्ट किया जा सके कि एक तरफ y और एक तरफ x,
दूसरे ऐसे जिनको अलग अलग नहीं कर सके हम, एक तरफ वाई और एक तरफ एक्स नहीं कर पाए, वो फंक्शन, इनको तो बोलते हैं, ये तो एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट, और ये वाले होते हैं एक्सप्लिसिट। इसके डेरिवेटिव तो करना हम जानते हैं, सिंपल इधर कर दिया डी बाय डी एक्स वाई का, इधर भी कर दिया डी बाय डी एक्स, जो भी फंक्शन है, चाहे तो चेन रूल लगा दिया, चाहे तो कुछ भी लगा दिया। अब इस वाले फंक्शन को कैसे करते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई क्यूब। अब इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक तरफ वाई कर दो और एक तरफ एक्स कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा डेरिवेटिव निकालें, डी बाय डी एक्स, ईच टर्म का डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, सब टर्म का डेरिवेटिव करते जाएंगे, और फिर लास्ट में क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स को फाइंड कर लेंगे, क्लब कर क्वेश्चन करते हैं तो उससे क्लियर होगा। एक्सरसाइज 5.3। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब इसको क्या लिखा मैंने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। देखो पहले ऐसे लिख दिया इधर d बाई डी एक्स, इधर तो 2x प्लस 3y, इधर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन, ठीक है, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस में अलग अलग कर दिया डेरिवेटिव को, डी वाई डी एक्स ऑफ 3y, इसको ऐसे कैसे लिख दिया डी वाई डी एक्स ऑफ साइन। अब 2x में 2 का तो होगा नहीं, 2 तो एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, इधर 3 का होगा नहीं, y का x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, इधर साइन x का x के रिस्पेक्ट में साइन x का होता है, तो बस यहां से 3 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कोस x, फिर माइनस में फिर डी वाई बाय डी एक्स कोस x माइनस 2 डिवाइड में, बस ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए जरा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये है 2x प्लस 3y, 2x प्लस में 3y इक्वल टू साइन y, इसमें भी क्या किया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y, सर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस में डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई, इधर ये एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब करते हैं डेरिवेटिव 2x में, 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, x का कर दिया मैंने, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, इधर 3 एज इट इज रहेगा, y का x के रिस्पेक्ट में dy by dx, फिर इधर sin y, देखो है फंक्शन y का, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है ना, तो sin का तो कर दिया मैंने cos y, अब y का भी होगा, जैसे देखो साइन टी है, इसका मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, टी कॉन्स्टेंट नहीं, तो पहले साइन टी का तो कर देंगे कोस टी, अब यानी साइन का तो कर दिया कोस, अब इस टी का करेंगे, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, ठीक
ठीक है। तो उसी टाइप से यहां पर साइन का तो कर दिया कोस, अब इस अंदर वाले वाई का करेंगे तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाय, तो टू इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, साइड में लिया है डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लिया तो थ्री माइनस कोस, तो यहां से डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आई मेरे पास टू डिवाइड में थ्री माइनस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। बोलो अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? उल्टा लिख दिया कोस वाई माइनस थ्री आना चाहिए, यहां तो आएगा प्लस थ्री इस साइड में आएगा तो माइनस का, यहां पर कोस वाई प्लस का और ये माइनस का, समझ में आ गया ना सभी को? अब एक क्वेश्चन और करा देता हूं, देखो नंबर थ्री तो आप खुद करना, फोर्थ कराता हूं, फोर्थ है देखो एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू में टेन एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिख दिया डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की अभी थोड़ी कम नहीं, हालांकि एक स्टेप आएगा पहले सबका आएगा फिर इंडिविजुअल का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे यू इंटू वी लगेगा, देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें एक्स इंटू वाई, एक्स फिर वाई का किया तो dy वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में y, x का x के रिस्पेक्ट में 1, फिर वाई स्क्वेयर पहले पावर का होगा तो पावर का हो गया 2, फिर पावर एक कम हो जाएगी 2y, ठीक है, फिर y का करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स, फिर टेन एक्स का x के रिस्पेक्ट में सीकेंट स्क्वेयर x, y का dy वाई बाई डी, अब जहां जहां dy वाई बाई डी एक्स उसको तो एक तरफ करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स किसमें, एक तो इसमें और एक इसमें और एक इस, इन सबको एक तरफ ले आए इस साइड में ले आया मैं और डीवाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो देखो एक्स प्लस में टू वाई फिर माइनस का वाई, बाकी उस साइड में चले गए सीकेंट स्क्वेयर एक्स फिर माइनस का वाई, तो यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई सीकेंट स्क्वेयर एक्स फिर माइनस का वाई डिवाइड में x प्लस टू वाई माइनस, अब बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें? कर लोगे अब खुद क्वेश्चन? ओके चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, एक शॉर्ट मेथड भी बताया था मैंने अगर याद हो तो, जो आगे बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सोल्व कर देगा बिल्कुल दो लाइन के अंदर, जो आगे आएंगे जो फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं याद है पार्शियल डेरिवेटिव से, चलो वो भी बताएंगे अभी, एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर बताऊंगा, सभी क्वेश्चन उससे बड़ी जल्दी हो जाएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव बताया था डेल एफ बाय डेल एक्स डिवाइड में डेल एफ अपॉन डेल वाई और आगे विद नेगेटिव साइन, ये था कि डीवाई बाय डी एक्स, ये लेकिन ओनली इस टाइप के फंक्शनों में अप्लाई होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड में डेल एफ अपॉन डेल वाई, इससे सभी बड़े बड़े क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते, यानी कि जो
पांच नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी एक लाइन में सो हो जाते हैं, लेकिन ये ओनली ऑब्जेक्टिव के लिए है, या फिर आपको अपने आंसर्स को क्रॉस चेक, ये भी बता देंगे अभी। एक बार ये एक्सरसाइज थोड़ी सी करते हैं, उसके बाद बताएं कि कैसे करते थे, क्योंकि NC1 वालों को तो बताया हुआ लेकिन NDA वालों को नहीं बताया। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? चलो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो जैसा क्वेश्चन 4 है वैसे ही 5, 6, 7, 8 सब एक जैसे ही है, कहां तक? 8 तक। उसके बाद 9th से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ क्लास 11th में, मैंने चैप्टर ही करा दिया तुम्हें पूरा बातों बातों में। तो अब मैं देखो 4th तो मैंने कराया है, 5th नहीं कराऊंगा आप, अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। जो बीच में छोड़ रहे हैं वो खुद करने आप। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब इक्वल टू, ये क्वेश्चन। अब इसको करते हैं, तो क्या लिखा मैंने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स हो, पहले तो पूरे का आएगा ऐसे। देखो बोर्ड में तो जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सही, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिखिए, फिर डी बाय डी एक्स हो एक्स क्यूब प्लस में डी बाय डी एक्स हो स्क्वायर वाई प्लस में डी बाय डी एक्स हो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में डी बाई डी एक्स हो, और इधर जीरो हो जाएगा 81 का एक्स क्यूब का डी एक्स स्क्वायर, इधर यू इंटू भी लगेगा एक्स स्क्वायर, फिर वाई का किया तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में इस बार वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का किया तो 2x, फिर सेम यहाँ पे एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का किया तो 2y, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में y स्क्वायर एज इट इज x का किया तो 1, फिर प्लस में y क्यूब का किया तो 3y स्क्वायर, और y का फिर dy by dx equal to, इसमें इसमें और इसमें जिनको अंडरलाइन किया उसमें dy by dx, तो तीनों को dy by dx कॉमन लिया तो क्या बचा x स्क्वायर, इसमें 2xy, फिर उसमें 3y, जिसमें dy by dx नहीं उसको दूसरी साइड में ले गए तो माइनस का 3x स्क्वायर, ये वाली टर्म जाएगी उधर, फिर ये वाली टर्म माइनस का 2xy, फिर माइनस का y, dy by dx की वैल्यू क्या आ गई थी, माइनस कॉमन 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y डिवाइड में स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 3y, ये आंसर हो गया। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? है क्या कोई दिक्कत? चलो एनडीए वाले अटेंडेंस दो अपनी, कितने हैं? भाविंदर, कपिल, तो ही है। अनमोन भी तो आया था।
जॉइन टुगेदर स्टार्टिंग में, एनडीए से दो ही हैं। और ये एनसी वन वाले भी बच्चे कम कैसे हैं इतने, क्या बात है भाई, पढ़ा ढंग से नहीं रहे क्या, क्या समझ नहीं आ रहा। बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करें, बताओ बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करें। बोर्ड में बीच बीच में ब्लर होता है, फिर आप कहोगे कि सर ब्लर हो रहा है, दिख नहीं रहा। इसमें बस ये है कि स्क्रीन सही दिख जाती है। हाँ बेटा अंशु तू तो टॉप ही करेगी। चलो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, कल कराएंगे। और हाँ इसके कहाँ तक के क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, इसमें इसमें तुम्हें 7 तक के क्वेश्चन करने हैं, 8 तक के, सॉरी 8 तक के क्वेश्चन कर लेना। अब मैं 9th क्वेश्चन कराऊंगा, या अगर कोई डाउट होगा तो वो करा देना।